कल आप निफ्टी बैंक निफ्टी को मंथली एक्सपायरी पे किस तरीके से ट्रेड करोगे, इसके अलावा फिन निफ्टी को कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे वीडियो के अंदर। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझ आएगी। ठीक है, तो कल का अगर आप लोगों ने एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आ गई होगी कि आज का प्लान हमारा क्या था। हमने सिंपल प्लान किया था कि मार्केट अगर फिर से डे का लो यहाँ पर अगर ये ब्रेक करेगा तो हमको एक शार्प सेलिंग अगेन देखने को मिलेगी। और इसमें तो मैंने क्लियर कट बताया था कि 40 अगर ये 43,000 का लेवल ये ब्रेक करता है तो डायरेक्टली आपका जो टारगेट रहने वाला है 200 पॉइंट का, यानी कि 43,800 का 42,800 का टारगेट लेके चलना। और एग्जैक्टली उसी के आसपास मार्केट ने टारगेट को हिट किया है। ठीक है, तो ये ट्रेड तो आपको काफ़ी ज़्यादा इजीली मिल गया होगा, बट मॉर्निंग में मार्केट थोड़ा सा हुआ था गैप अप, थोड़ा बहुत किया टाइम पास, फिर जब ब्रेक डाउन दिया तब आपको ये ट्रेड मिला होगा। ठीक है, और एक चीज़ मैंने बताई थी कि अगर ब्रेक करेगा तो एक शार्प मोमेंटम जरूर आपको देखने को मिलेगा 200-250 पॉइंट का। ठीक है, जो कि हमको देखने को मिला है। अभी हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं वो हमको समझना है। देखो, अगर मार्केट आज देख सकते हो दो तीन तीन चार दिनों में काफ़ी अच्छी गिरावट ऑलरेडी हमको देखने को मिल चुकी है, और कल है मंथली एक्सपायरी, तो बहुत सारे चीज़ें जो एक्सपायर होने वाली है कल के दिन में, तो कल हो सकता है मे बी, क्योंकि दो दिन में ऑलरेडी काफ़ी अच्छी तेज़ी हो चुकी है, ऑलरेडी काफ़ी अच्छी गिरावट हो चुकी है। तो अगर फिर से मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है देन उसके बाद ये हो सकता है कि साइडवेज हो जाए। तो अगर मार्केट फिर से कल के दिन में गैप अप हो रहा है, यानी कि 200-250 पॉइंट 43,000, क्योंकि एक हमको पता है कि 43,000 एक राउंड लेवल नंबर है, तो अगर इसके आसपास गैप अप हो रहा है तो फिर आपको थोड़ा सा वेट कर जाना है, अग्रेसिवली प्लान मत करना, क्योंकि दो दिन में ऑलरेडी हमको एक तेजी देखने को, एक काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली। देखो इस तरीके से मार्केट काम करता है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखोगे दो दिन में एक शानदार गिरावट हुई, फिर मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा वॉलेटाइल और थोड़ा सा होल्ड किया। इसी तरीके से यहाँ पर दो दिन में अच्छी गिरावट हुई, फिर हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर जाए नीचे आए, इस तरीके से वॉलीटिलिटी क्रिएट करेगा, एक इनसाइड कैंडल बना सकता है अगर डे का लो फिर से ब्रेक नहीं करता है तो। ठीक है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अभी 15 मिनट पर थोड़ा सा हम लेवल्स वाइज समझ देते हैं कि कौन से लेवल पर आप किस तरीके से प्लान कर सकते हो, वो चीज़ें हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मार्केट ने देखेंगे तो आज हमको जब यहाँ से ये ब्रेकडाउन देखने को मिला 43,000 का लेवल में आपको बताकर गया था, और डायरेक्टली आपको एक दो कैंडल में ही आपको जो 43,800 का 42,800 का टारगेट आपको देखने को मिल गया था। ठीक है, अभी उसके बाद आप किस तरीके से प्लान कर सकते हो कल के दिन में, वो चीज़ें हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सिंपल रखेंगे, अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है 42,800 के एरिया के आसपास, 850 हो गया या 800 के रेंज में, यहाँ का ही ओपन होने के बाद सिंपली अगर डे का लो फिर से ये क्रॉस कर रहा है, 800 का लेवल होल्ड नहीं कर रहा है, तो इसके नीचे हम अगेन सेल करेंगे, क्योंकि डे का लो है, ये ब्रेक होगा तो फिर से हमको 200 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो 42,600 और 42,500 ये लेवल के टारगेट आप लोगों को लेके चलना है। अगर फिर से डायरेक्टली अगर ये इसको ब्रेक करके निकल रहा है तो ये 500 और 600 ये दो टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, बाय साइड यदि बात करूँ, मार्केट यदि इस रेंज के बीच में ओपन होता है तो इस रेंज के बीच में आपको कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। अगर इस लेवल को ऊपर की तरफ ये ब्रेक करता है, 43,000 का लेवल ये क्रॉस करके ऊपर निकलता है, तो आप इसके ऊपर बाई के लिए प्लान कर सकते हो। अगेन बाइंग साइड में आपको क्वांटिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट फिर थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, थोड़ा सा इस तरीके से वॉलीटिलिटी क्रिएट कर सकता है और साइडवेज हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे आज भी अगर मार्केट देखोगे मॉर्निंग में मार्केट क्या हुआ, गैप अप हो गया था, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक बार नीचे आया फिर ऊपर गया फिर थोड़ा साइडवेज हुआ, इस तरीके से आपको परेशान किया यहाँ पर मार्केट ने, तो ये सेम चीज़ रिपीट हो सकती है। इसीलिए क्या है, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको क्वांटिटी कम ट्रेड करनी है, लो क्वांटिटी में ट्रेड करना, और छोटे ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, इसके ऊपर ब्रेकआउट के बाद ही हम बाई के लिए प्लान करेंगे, वो भी कंडीशन क्या है, अगर रेंज के बीच में ओपन होने के बाद इसको क्रॉस करता है तभी। ठीक है, बाय एनी चांस डायरेक्टली मार्केट गैप अप हो रहा है 43,200 के एरिया के आसपास, यहाँ का अगर इतना बड़ा गैप अप हो रहा है तो पहले वो नीचे आने की कोशिश करेगा मार्केट। ठीक है, तो अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है 43,300 या 200 की इस रेंज में, तो यहाँ से डायरेक्टली मार्केट फॉल कर जाएगा, तो फिर यहाँ से हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। बाकी इस लेवल से अगर क्रॉस कर रहा है तभी हम बाई के लिए प्लान करेंगे विद लो क्वांटिटी। ठीक है, आई होप कि क्लियर है किस तरीके से आपको निफ्टी के अंदर ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, चलिए सेम चीज़ देख लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में यहाँ पर अगर आप मार्केट को देखोगे तो काफ़ी अच्छी गिरावट आज इसमें भी हमको देखने को मिली है। ठीक, हमने जो प्लान किया था 350 का लेवल मैंने आपको बता के किया था, ये लेवल ब्रेक होगा तो इसके नीचे हम सिंपली सेल के लिए प्लान करेंगे, और ब्रेक डाउन हुआ और डायरेक्टली जो टारगेट दिया था 19,200 का टारगेट, वो टारगेट आपका अचीव हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों ने ट्रेड किया होगा, आई होप कि आप लोगों ने ट्रेड करके पैसा कमाया है।
सिंपली कल किस तरीके से प्लान कर सकते हो अगर मार्केट फिर से इस रेंज के बीच में ओपन होता है, जैसे आज ये लेवल के बीच में ओपन हुआ था, इसी तरीके से इस लेवल के बीच में अगर ओपन हो रहा है, उसके बाद अगर डायरेक्टली डे का लो ब्रेक करा, 19,200 का लेवल होल्ड नहीं करता, तो इसके नीचे सिंपली हम सेल करेंगे। नीचे में टारगेट फिर लेके चलना 150, 100 और फिर 19,050 के आसपास, ये तीन टारगेट आप नीचे की तरफ प्लान कर सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी अच्छी गिरावट हुई है, थोड़ा सा मार्केट इस तरीके से मूव कर सकता है, थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी बाइंग साइड की बात करूँ, अगर इस रेंज के बीच में ओपन होने के बाद 19,300 का लेवल ब्रेक करता है, ठीक है, 300 का लेवल ब्रेक करता है, जिसके ब्रेकआउट पर हम बाई के लिए प्लान कर सकते हैं। अगेन ऊपर की तरफ आपको छोटा टारगेट प्लान करना है, क्योंकि यहाँ से 300 जैसे ही क्रॉस करेगा, 350 एक रेजिस्टेंस एरिया है आपको, ठीक है, तो 350 से हो सकता है फिर से गिरावट हो या फिर ये इसको ऊपर की तरफ कंटिन्यू करे, तो ये लेवल थोड़ा सा आपको दिमाग में लेके चलना है। 350 का लेवल होल्ड करेगा तभी ऊपर जाएगा, नहीं होल्ड करेगा तो फिर से यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, आई होप कि क्लियर है किस तरीके से फिर निफ्टी को आप ट्रेड करोगे। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं निफ्टी की, एक बार डेली टाइम फ्रेम पर कैंडल को देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो फाइनली आज हमको वो बड़ा ब्रेकडाउन भी होता हुआ नजर आया, 2 दिनों में देखोगे काफ़ी अच्छी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। ओवरऑल पिछले 4-5 दिनों में देखोगे तो कंटिन्यूसली मार्केट जो है वन वे डायरेक्शन में फॉल कर रहा है, तो आई होप कि आप सेल साइड ट्रेड करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे होंगे। एंड जो सिंपल एनालिसिस मैंने आपको बता के गया था मार्केट में, मैंने आपको बताया था कि डे का लो अगर ये ब्रेक करेगा तो आपको काफ़ी अच्छा ट्रेड यहाँ से मिलने वाला है, एक शार्प सेलिंग अगेन आपको देखने को मिलेगा, वो वैसा ही हुआ, जैसे ही मार्केट ने डे का लो ब्रेक किया एक शार्प सेलिंग आपको देखने को मिली और काफ़ी अच्छा टारगेट मार्केट ने यहाँ पर दिया, 19,100 या फिर 19,100 के आसपास का मार्केट ने यहाँ पर लो लगाया, तो काफ़ी अच्छा ट्रेड आपको मिला होगा। सेम चीज़ अगर ये फिर से ये कंटिन्यू करता तो एक मोमेंटम और हो सकता है, अगर नहीं करता है मार्केट गैप अप हो जाता है और साइडवेज हो जाता है तो आपको बीच में ज़्यादा ट्रेड प्लान नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि फिर मार्केट एक इनसाइड कैंडल बना सकता है अगर डे का लो ब्रेक नहीं कर रहा है अगेन तो। ठीक है, चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर हम समझ लेते हैं लेवल्स वाइज किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली हम रखने वाले हैं कि देखो मार्केट क्या हुआ है, आज देख सकते हो टॉप लेवल से थोड़ा बहुत साइडवेज था मॉर्निंग में, एंड मॉर्निंग में मुझे काफ़ी फर्स्ट ट्रेड में ही मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था, बट रिवर्स कर गया इसकी वजह से, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब कॉस्ट कॉस्ट हिट हुआ, फिर दोबारा मार्केट ने इसको ब्रेक किया, फिर से हमने यहाँ पर एंट्री करी और एक बड़ा टारगेट आप यहाँ पर हमको अचीव हुआ था। ठीक है, अभी हम बात करें कि कल आप किस तरीके से प्लान कर सकते हो, तो अगर मार्केट इस तरीके से एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो इसको ब्रेक करके निकलेगा तभी हम बाई के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, कंडीशन क्या है थोड़ा सा आप मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से प्लान करो। अगर ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान कर रहे हो तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, छोटा ट्रेड प्लान करना और छोटा छोटा टारगेट रखना, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट प्लान नहीं कर सकते हैं क्योंकि मार्केट थोड़ा भी बाउंस करेगा फिर से गिरेगा। ठीक है, और आपका प्रीमियम डिके होगा, तो इसलिए बाइंग साइड में आपको ट्रेड या तो अवॉइड करना या फिर कम क्वांटिटी में ट्रेड करना। ठीक है, हम प्लान करेंगे अगर सिंपली इस रेंज के बीच में ओपन होता है, ठीक है, इन दो लेवल के बीच में ओपन होने के बाद सिंपली डे का लो फिर से ये ब्रेक कर रहा है 19,075 का लेवल। ठीक है, 19,075 का लेवल के ब्रेकडाउन पर सेल के लिए प्लान करेंगे, टारगेट लेके चलना है 19,000 का। ठीक है, अब ये 19,000 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, एक साइकोलॉजिकल नंबर, एक राउंड लेवल नंबर है, तो यहाँ पर मार्केट डेफिनेटली टाइम पास करेगा या फिर हो सकता है इसको ब्रेक या फिर से सपोर्ट लेकर ऊपर निकल जाए या फिर इसको ब्रेक करेगा तो एक शार्प गिरावट और आ सकती है। ठीक है, तो ये लेवल आपको दिमाग में लेके चलना है। पहला टारगेट अगर मान लीजिए डायरेक्टली गैप डाउन ही ओपन हो रहा है मार्केट 19,000 के आसपास, तो थोड़ा सा आपको प्राइस एक्शन देखने के बाद फिर ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर ओपन हो रहा है, बाकी इसको ब्रेक करा है सिंपली सेल करेंगे, पहला टारगेट 19,000, दूसरा टारगेट 19,950, फिर 19,900 के आसपास नेक्स्ट टारगेट आएगा। ठीक है, बाइंग साइड में ऊपर की तरफ प्लान करें तो मार्केट अगर इस लेवल को सिंपली इसको क्रॉस करता है तो आपको पहला एक राउंड लेवल नंबर लेके चलना है, यहाँ पर 19,200 के आसपास का एक लेवल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आज मार्केट में हमको एक काफ़ी अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिला, तो ऑब्वियसली 19,200 से 225 ये लेवल ऊपर निकलेगा तभी मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट फिर से धीरे धीरे पॉजिटिव में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा मार्केट जब इसके ऊपर निकलेगा, अदरवाइज मार्केट इसको हीट करके दोबारा नीचे आ सकता है। तो बाय एनी चांस मार्केट डायरेक्टली गैप अप हो जाता है 19,200 से 225 की रेंज में और पहली कैंडल रेड बनाकर नीचे आता है तो यहाँ से हम सिंपली सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये बीच का एक लेवल है जस्ट मैंने मार्क किया, तो थोड़ा सा आपको ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो ये लेवल आपको ध्यान में रखना, बाकी इसके ब्रेकआउट के बाद ही हम बाय के लिए प्लान कर सकते हैं। आई होप कि क्लियर है किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी को ट्रेड करोगे। जिन दोस्तों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, आप लोगों के लिए फ्री में हमने बना रखा है, सिंपल सर्च करो ट्रेडिंग हाइस्ट ऑफिशियल, बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए, इसे सर्च करके ज्वाइन करो, लिंक आपको बायो मिलेगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके।